हेलो अथर्व, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। थैंक हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। बोलो। थैंक यू। यू। स्कूल जा रहे हो ना? बाय बिट्टू। बाय। एवरीवन, दिस इज ब्यूटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है स्पेशल डे एंड आज है अथर्व का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अथर्व। थैंक हाँ यू। हेलो। थैंक हाँ यू। ठीक है तो ओके हो जाएगा। फाइनली गाइस, अभी शाम के बज गए हैं अभी नहीं पांच अब और आएगा मैं जा पांच रही सात हूँ मिनट में अभी। आता है ना। पति देव फोन से बात कर रहा है। ओ अगल बगल अब देखना पड़ेगा। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ पार्लर रेडी होने के पार्लर लिए। तो क्या मैं अपना करेगा ना। सारा साड़ी वगैरह सब कुछ ले ली हूँ, अथर्व का भी ड्रेस ले ली हूँ। और अभी हम लोग नॉर्मल अपना ड्रेस पहन के जा रहे हैं, फिर वहाँ जाकर रेडी हो जाएंगे। तो पार्लर में रेडी होंगे 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद 7 बजे मैं सबको इन्वाइट की हूँ, तो 7 बजे सब लोग आएंगे। रेस्टोरेंट में ही सेलिब्रेशन हो रहा है। और बाकी चलो मिलते हैं फिर बाहर जाके। ओके। तो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ पार्लर में और मैं कराने वाली हूँ आज मेकअप। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्पेशल डे है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। सो आज तो मैं रेडी होना बनता है ना मुझे, तो मैं मेकअप कराऊंगी। तो फाइनली यहाँ पर मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं किस पार्लर में आई हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं आई हूँ द सीजर ब्यूटी सैलून, जो कि वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, ठठेरी बाज़ार में, मोड़ पे ही है। तो वहाँ मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुकी हूँ। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे इनका लिंक वगैरह डाल दी हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेकअप होता है, तो आप वहाँ पे विजिट भी कर सकते हो। पार्टी मेकअप के लिए, ब्राइडल मेकअप के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए जा सकते हो वहाँ पे, ठीक है, लाइक मेकअप से रिलेटेड, ब्लीच, फेसियल वगैरह। तो फाइनली गाइज, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज मैं बहुत सारे लोगों को इन्वाइट की थी। एंड अथर्व का बर्थडे सेलिब्रेशन में थोड़ा सा टाइम बच गया था। वैसे मैं यहाँ पे पहले आने वाली थी, लेकिन मैं 1 घंटा लेट हो गई। इस वजह से जल्दी जल्दी मैं इनको बोली कि एकदम लाइट मेकअप कीजिएगा, एकदम हल्का मेकअप कीजिएगा मेरा, और जल्दी 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 मुझे रेडी होना था। हस्बैंड भी बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो भाई मेरा मेकअप एकदम फास्ट हुआ और बहुत ही नॉर्मल मेकअप रखी थी, क्योंकि ना ही शादी था, ना ही तिलक था, ना ही कोई मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल फंक्शन था, बस छोटा मोटा बर्थडे पार्टी था हमारा। तो मुझे एकदम नॉर्मल ही रहना था, क्योंकि जो मेरी साड़ी थी वो नेट की साड़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हल्का मेकअप चाहिए था। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मेकअप किया, बाकी तो आप खुद ही जानते हो सब कुछ। तो कमेंट्स में बता देना कि मेरा मेकअप कैसा लगा। उसके बाद थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह में टाइम लगा। पति देव बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे जल्दी आओ, क्योंकि कुछ मेरी फ्रेंड्स लोग पहले से, मेरे से भी पहले वहाँ पर आ गए थे रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी करके जाना पड़ा। यहाँ पे मेरा मेकअप स्टार्ट तो हो गया है, थोड़ी देर में कंप्लीट भी हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो गाइज, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, आपको जिनको भी मेकअप के लिए ब्लीच, फेशियल, वैक्सिंग, मेकअप से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होगी, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आपको सर्विस मिलेगी एंड बहुत ही अच्छे रेट में आपको सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तभी मेरा हेयर स्टाइल बन रहा है और अथर्व को भी थोड़ा बहुत ये रेडी कर दी है, लाइक ब्लश लगा दिए थोड़ा सा। वैसे तो ये गोरा है ही खुद, लेकिन इसको खूब मज़ा आ रहा था ये सब करवाने में। तो ये वैसे भी चलो ठीक है, ये भी अपना यहाँ पे ड्रेस चेंज किया। और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ से गए रेस्टोरेंट में, क्योंकि मैं पति देव को बोली कि आप मुझे आ जाओ लेने के लिए, तो उनके पास टाइम नहीं था, बहुत भीड़ थी। तो बोले आप तुम ऑटो पकड़ के आ जाओ, तो फिर मैं रेडी होके ऑटो पकड़ के गई घर। यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल बन रहा है। हेयर स्टाइल भी मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखी थी, नॉर्मल ही रखी थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद ये लास्ट, ये अब मैं साड़ी वगैरह वियर करूँगी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है यार, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों को पसंद आई है ना, इंस्टाग्राम पे मैं सबका मैसेज रीड कर रही हूँ। ये साड़ी मैं मंगाई हूँ इंस्टाग्राम के एक पेज से, ग्लैम ब्यूटी के पेज से। ये 10-15 दिन से साड़ी मैं रखी थी कि मैं इसको अथर्व के बर्थडे में पहनूंगी। तो फाइनली गाइज, यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा फोटो शूट करूँगी या वीडियो शूट करूँगी। बार बार पति देव का फ़ोन आ रहा था, तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी अपना सामान पैक की, साड़ी पहनी और एक दो फ़ोटो और एक दो रील्स हुआ। उसके बाद मैं यहाँ से इनको बोली बाय और बोलती हूँ चलो जल्दी से आप भी आइएगा मेरे बाबू के बर्थडे में, फिर हम यहाँ से निकलेंगे जल्दी जल्दी। तो गाइज, हमारा मेकअप तो 1 से 1.5 घंटा में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था ना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सारा सामान वगैरह पैक कर ले रही हूँ, फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग, कुछ लोग आ गई हैं रेस्टोरेंट में, वो लोग मेरा वेट कर रही हैं। तो वहाँ से जल्दी से निकलते हैं पहले। मेरा यही दीदी ड्यूटी है।
कहीं भी रहे ब्लॉग बना। ब्लॉग बना रहे हैं, पैर है। तो एक बात बोले, तो यहाँ पे धीरे धीरे सारे लोग आ रहे हैं। सबको मैं 7 बजे बुलाई थी, ठीक है 7 बजे, लेकिन सारे लोग, कुछ लोग तो 7 बजे के पहले भी आ गए, एक दो लोग और मतलब 7 बजे तक आ गए, और कुछ लोग तो 8, 8:30 बजे तक आए। तो फैमिली मेम्बर्स ही थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो इस वजह से मैं केक कटिंग भी नहीं कर रही थी। मैं सबको फ़ोन मिला रही थी, भाई जल्दी जल्दी आप लोग आओ और आप लोग देखते जाओ, धीरे धीरे करके मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। ये सब लोग मेरी दोस्ती हैं, सोशल मीडिया वाली दोस्त, लाइक फिर एक रियल फ्रेंडशिप हो गया है हमारा। तो बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन है मेरे बेटे का, बाकी आप सब खुद इंजॉय करो ये वीडियो। और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, कुछ स्पेशल चीज़ें भी है जो कि मुझे खुद भी उतना नहीं पता था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई हस्बैंड की वजह से कि इतने अच्छे से मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किए। और मतलब मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते यार। अथर्व के डिमांड पे ना मैं ये केक मंगाई हूँ, ये स्पाइडर मैन वाला केक है। अथर्व बोला मामा मुझे स्पाइडर मैन वाला केक चाहिए, बिकॉज इसका स्पाइडर मैन फेवरेट है, उसका ड्रेस भी पहनता है। तो भाई मैं पता कि मार्केट में पता कि तो बन सकता था, लेकिन यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है जान पहचान की, यहाँ बाबा नगर में ही है प्रियंका जी, उनके यहाँ से मैं ये केक मंगाई। वो होम बेकर है, मतलब घर पे ही केक बनाती है एंड वहाँ से सेल करती हैं। तो मैं उनको फ़ोन की, तो फिर मैं उनसे पूछी कि स्पाइडर मैन वाला केक बना देंगी, तो उन्होंने बोला कि हाँ बना दूंगी। तो मैं वहीं से बनवा के लाई हूँ, आप लोग भी बनवा सकते हो गाइज। वो घर से ही बहुत ही अच्छा अच्छा केक बना के सेल करती हैं प्रियंका जी।
इसका इसका बनाओ इसका। अथर्व तुम भी खिलाओ बाबू। तो ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड प्रीति और हम लोग साथ में जाते हैं अभी बीएड क्लास करने। और अथर्व सबसे ज़्यादा खुश इन्हीं से बिकॉज इनका गिफ्ट ना अथर्व को बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब वो घर पे ओपन किया ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि बच्चे को पैसे से और कपड़ों से मतलब नहीं होता है, बस चॉकलेट एंड उनके यूज होने वाले सामान से मतलब होते हैं। Thank you.
तो गाइज फाइनली यहाँ पे आनंद सर भी आ गए हैं मेरे बेटे के बर्थडे में मेरे रेस्टोरेंट में। फाइनली मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इनको देख के सारे लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि यहाँ पर सब लोग इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। एंड आनंद सर को कौन नहीं जानता है, जो लोग भी नहीं जानते हैं एक बार गूगल एंड यूट्यूब सर्च कर लो आप। तो भाई मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और फाइनली मेरे बेटे के बर्थडे में आए तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर कि आप आए आशीर्वाद देने के लिए अथर्व को। एंड अथर भी बोलता है ना कि मैं भी बड़ा होकर आईपीएस बनूंगा सर के जैसा, उसको उसको भी ना मतलब ऐसे ही फीलिंग्स होती है, बोलता है कि नहीं मम्मा मैं भी पुलिस बनूंगा, पुलिस वाला ड्रेस पहनूंगा ऐसे। फिर यहाँ पे सारे लोग धीरे धीरे एक एक करके सर के साथ फ़ोटो लिए एंड बहुत इंजॉय किए। तो गाइज ये सब मेरी ससुराल की ही फैमिली थी और हमारा फैमिली फंक्शन हो गया है कंप्लीट। कुछ फ्रेंड्स एंड कुछ फैमिली थे यहाँ पे। मेरी सिस्टर का गिफ्ट है जो अथर्व के लिए है, तो आप खुद ही देख सकते हो कार्टून में भर के इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी और कुछ इस तरीके से ये वीडियो बनवाई। और इसी के साथ ये वाला ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो में क्योंकि अब हम लोग जाएंगे घर और चुपचाप सो जाएंगे। बाय बाय।